दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है और इस मॉडल का फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको टॉप क्लास का मिलता है। साथ साथ स्टेयर केस जो हैं, जो मैंने स्टेयर्स बनाई हैं वो बाहर से बनाई हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है। और फ्रंट का जो लुक दिया है एक बेहतरीन सा, मॉडर्न सा, और यहाँ पर जो स्टेयर केस वो बारंदे से ही मैंने दी हैं जिससे आप ऊपर चढ़कर जाएंगे। और एक बेहतरीन इसके डिज़ाइन के साथ मैंने आज जो प्लान क्रिएट किया है, इसका साइज़ है 26x35 में ओवरऑल मॉडल बना हुआ है। 26 फिट इसका चौड़ाई है, लंबाई की बात करें वहीं 35 फिट है। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने शोरूम लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। साथ साथ और वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नए नए मॉडल बनाने का एक जुनून मिलता है। तो प्लीज़ हम आप लोगों से लगातार यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें एक और घंटी के निशान को भी दबा लें। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो मॉडल है, उसे डिस्कस करने से पहले मैं इसे जूम करके दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको इसका और रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ पर क्या क्रिएट किया है। जो ग्रिल है वो देखिएगा, और यहाँ पर जो स्टेयर केस हैं जो कि बाहर से है वो आप देखिएगा, समझ लीजिएगा कैसे मैंने क्रिएट किया है। ओवरऑल देखिएगा व्यू, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक बेहतरीन सा लुक इसमें समझ में आए। और फ्रंट का ग्रिल वगैरह भी आप देख पा रहे हो, बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैंने पेश कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर में फिलहाल फ्रंट से मैंने ग्रिल दिया हुआ है। ये दो खंबे टाइप के आपको दिख रहे हैं, प्लेट टाइप के इसमें डिजाइनिंग है, और इधर से साइड से ही चढ़ने का आपका इंतजाम है। यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आपको एक पोर्च टाइप का बड़ा सा मिलता है, इसमें सोफ़ा वगैरह मैंने दे रखा है, टेबल वगैरह, ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इधर से देखें साइड से तो इधर आपको एक पिलर मिलता है, और इसके बाद स्टेयर केज देखिए बाहर से ही यहाँ से चढ़कर जाएंगे, टर्न होकर ऊपर चले जाएंगे। ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से एक पट्टी क्रिएट की है। जो डोर है ओपन जाने के लिए वो आपका ये देखिए जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये आपका डोर है, ये दोनों साइड विंडो है। तो डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं घर में, तो आप एक लिविंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, लिविंग हॉल भी यूज कर सकते हैं। इससे जस्ट पीछे आपको और बेडरूम मिलेगा, जो आप इसी लिविंग हॉल से एक्सेस कर पाएंगे। इधर आप जाते हैं तो इधर आपको एक बड़ा सा किचन मिलता है, और इसके बाद ये आपका लेट एंड बाथ कंबाइंड मैंने क्रिएट किया है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। इतना बड़ा बेडरूम होता है तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको छोटा लेट बाथ चाहिए या बड़ा। मैंने क्रिएट कर रखा है, जगह आपके सामने है, आप उसे एडजस्ट भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो दो बेडरूम, लेट एंड बाथ, किचन, और ये आपका आगे डाइनिंग हॉल टाइप का, या बारंदा बोल सकते हैं, या पोर्च बोल सकते हैं, तो और स्टेयर्स बाहर से। ये ग्राउंड फ्लोर आपका बनकर रेडी हो जाता है, जो कि 26x35 फुट में मैंने बताया। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, आप देख पा रहे होंगे। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने जो क्रिएट कर रखा है वो देखिएगा, मैं पहले भी बता चुका था, चारों तरफ ग्रिल, 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट ग्रिल, साइड में ग्रिल, और एक बेहतरीन सा लुक के साथ आपका मॉडल ये बनकर रेडी हो जाता है। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि कोई सर ऐसा प्लान दीजिए जिसमें स्टेयर केस बाहर हो। मैं ज़्यादातर जो प्लान क्रिएट कर रहा था अभी तक वो सारी स्टेयर केस अंदर थी। तो बेहतरीन सा मॉडल है, अगर आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें, बनवाएं, बेहतरीन सा घर लगेगा। मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।